हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। इस लेक्चर में अब हम जो हमारी यूपीएससी की प्रीलिम्स आ रही है नेक्स्ट 5 जून को, उसके बारे में जो लास्ट माइल हमारी प्रिपरेशन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपने देखे होंगे कई सारे प्रोग्राम कि 60 डे में लास्ट में क्या करना है, 3 मंथ में क्या करना है। तो इसी तरह से अब हम जो है जो लास्ट 45 डे में हमें कैसी तैयारी करनी है और किस तरीके से, अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हो पाई है या किसी कारण से आप थोड़ा सा तैयारी में पीछे चल रहे हैं, तो आप अगले 45 डे में भी पूरी तैयारी कवर कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टेटिक और करंट अफेयर्स सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। और जो की सब्जेक्ट है और की टॉपिक्स हैं वो हमको कवर करना है, ठीक है। तो मैंने जो हमारा नेक्स्ट 45 डे का प्लान है उसको 5 5 डे के स्लॉट में डिवाइड कर दिया है, और जो फर्स्ट है हमारा उसको 3 दिन के स्लॉट में मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडर्न इंडिया का स्टेटिक्स कवर करेंगे। अब आप सोचेंगे मॉडर्न इंडिया तो इतना बड़ा है, 3 दिन में कैसे होगा, तो हमें पूरा नहीं पढ़ना है। जैसे कि हम जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उसमें लास्ट में जो समरी दी होती है, ठीक है, तो आपको सारे चैप्टर की समरीज पढ़ना है। उसके बाद एक दो मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आप कोई भी क्या बोलते हैं जो कोचिंग है उसका लगा सकते हैं। सबसे अच्छे मॉक टेस्ट जो होते हैं वो विजन के होते हैं, ठीक है, तो आप विजन का लगा सकते हैं अगर टेस्ट सीरीज है आपके पास। और अगर आपको फ्री में चेक करना है तो एक यूपीएससी पीडीएफ करके वेबसाइट है, वहां पे आपको विजन के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको प्रिफर करूंगा वहां से आप इसको डाउनलोड कर ले और एक लगा के देखें। उससे क्या होगा, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 5 डेज हैं उसमें हम जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका स्टेटिक कवर करेंगे। स्टेटिक आप देखिए शंकर आईएएस में से भी कर सकते हैं, या आपके पास कोई क्लास नोट्स है या दूसरी कोई बुक है उसमें से भी कर सकते हैं। सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है उसी को हमको पढ़ना है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना है, पूरे एक लास्ट साल के पढ़ना है, लास्ट 1 ईयर, ठीक है। तो अगर आपने पिछले साल अच्छे से करंट अफेयर्स को कवर किया है किसी भी एक मैगजीन में से, तो उसमें से आप क्या करिए, जो मंथली मैगजीन है पिछले एक साल की उसमें एक सेक्शन होता ही है करंट अफेयर्स का, उसके अंदर आप एनवायरमेंट का सेक्शन मिल जाएगा। तो सारे जो लास्ट 12 मंथ है उसमें सिर्फ एनवायरमेंट का जो करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ लीजिए। उसमें भी मैं पर्सनली विजन प्रिफर करता हूँ, तो आप विजन आईएएस का, ईएनवी का, ठीक है, मंथली जो करंट अफेयर्स है उसको आप प्रिफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए मॉक टेस्ट लगाना है, तो मॉक टेस्ट के लिए भी सिमिलरली विजन आईएएस का मॉक टेस्ट अच्छा रहेगा और आपको यूपीएससी पीडीएफ वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 डेज है उसमें हमें इकोनॉमी का स्टेटिक कवर करना है, ठीक है। तो स्टेटिक में हमें क्या करना है, जो भी आपने पिछले दिनों में क्लास नोट्स बनाए हो या कोई भी आपके नोट्स हो उनको कवर करना है। उसके अलावा जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसको जरूर इन 5 दिनों में एक बार कवर करना है। उसके अलावा कुछ जो आपको अगर लगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, टैक्सेस हो गया, टैक्सेशन हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, तो ये सब चीजें जो है वो आप रमेश सिंह में से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद आपको इसके भी मॉक टेस्ट लगाने हैं, जितने आप लगा सके, 1 2 3 वो सारे लगा देने हैं। और उसके लिए भी सिमिलरली सारे मॉक टेस्ट जो है आपको, मैं तो विजन के ही प्रिफर करता हूँ। इसके अलावा भी आप कोई भी अच्छी कोचिंग के लगा सकते हैं, जैसे इनसाइट हो, राउस हो, जहाँ से आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो मोस्टली तो आपको यूपीएससी पीडीएफ से अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, नेक्स्ट 5 डेज रिवाइज पॉलिटी लक्ष्मीकांत। अब मैंने रिवाइज क्यों किया लिखा है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि हम यहाँ तक अगर आ गए हैं तो इससे पहले आपने उसको एक दो बार पढ़ा होगा, और अगर आप वेटरन है तो आपने कई बार पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो पूरी लक्ष्मीकांत को जो भी वेटरन है वो 5 दिन में बहुत अच्छे से आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो हमें कुछ भी स्किप किए बिना उसके पूरे जो 70 चैप्टर है उसको रिवाइज कर देना है। हाँ, जो चैप्टर में आप एकदम स्ट्रांग है उसको आप लीव कर सकते हैं, उसके बाद उसके भी आपको मॉक टेस्ट लगाना है एक दो, ठीक है। फिर जियोग्राफी में आपको स्टेटिक पढ़ना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है,
जियोग्राफी के करंट अफेयर्स भी आपको जैसे अलग अलग मैगजीन के जो मंथली होते हैं उसके अंदर पोर्शन आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, जियोग्राफी पे, जो हमारी एनसीईआरटीस है, ठीक है, जो एनसीईआरटीस है हमारी 11th 12th की, वही दो, इंडियन फिजिकल जियोग्राफी और उसके अलावा वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, ये दो पोर्शंस में से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। अगेन एक आध आपको मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 डेज है हमारे, उसमें हम कवर करेंगे एंशियंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही करना है जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछते हैं, ठीक है। फिर आर्ट एंड कल्चर में जैसे पेंटिंग, डांसिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें करना है। फिर जो लोकेशन मतलब प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, जैसे अभी यूक्रेन में वॉर हो रही है तो यूक्रेन की राजधानी भी बहुत चर्चा में है, कीव, ठीक है, उसके आसपास जो उन्होंने रसिया ने कब्जा कर लिया है वो रीजन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो फिर अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जल्दी याद नहीं होता है, तो इसका मेक श्योर कि आप एकदम छोटे छोटे नोट्स बना ले, वो आपको लास्ट टाइम पे फिर से एक बार रिवाइज करने में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट 5 डे आपको क्या करना है, रिवाइज मॉडर्न इंडिया प्लस इकोनॉमी, ठीक है। आपने जो मॉडर्न इंडिया और इकोनॉमी पहले पढ़ा था उसको फिर से रिवाइज करना है, और दोनों को एक एक मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, या यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से 30 MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 डे आपको क्या करना है, रिवाइज एनवायरमेंट और जियोग्राफी, ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा है उसी को फिर से रिवाइज कीजिए, और यहाँ पे भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 डे में फिर से क्या करना है आपको, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स ओनली, ठीक है। तो आपको सिर्फ 5 दिन तक करंट अफेयर्स ही करना है, एक दिन पॉलिटी का कीजिए, एक दिन एनवायरनमेंट का कीजिए, इस तरीके से 5 दिन में आप ये सारे कर लेना है। एंड मेक श्योर राइट डाउन की टॉपिक्स ऑन A4 शीट, वेरी वेरी शॉर्ट नोट, ठीक है, एकदम छोटे छोटे इसके आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। अब ये करंट अफेयर्स आपकी मर्जी है, आप किसी मैगजीन से कर रहे हैं, पीटी से कर रहे हैं, PT 365 को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स जो है उनको वो एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको बहुत छोटा और कंसाइज बना देते हैं, ठीक है। जो मंथली मैगजीन है उसके अंदर से आप अगर एक सब्जेक्ट का टॉपिक उठाएंगे तो उसमें काफ़ी सारे आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो आप वो मंथली मैगजीन में से टॉपिक का एक सेक्शन करंट अफेयर्स पूरे 12 महीने का कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको एक और चीज़ है, उस पर ध्यान देना है कि आपको डेली 12 प्रीवियस ईयर सी सेट के क्वेश्चन करना है, ठीक है। सी सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दिन पे दिन टफ होता जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको जो रिपीटेड क्वेश्चंस है बार बार, वो सारे टॉपिक्स अच्छे से बाय हार्ट आने चाहिए, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो सी सेट को आपको छोड़ना नहीं, और हर वीकेंड पे उसका टेस्ट लगाना है, ठीक है। इसके लिए भी विजन के आपको टेस्ट ले लेना है, वो एकदम जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है उस लेवल के ही होते हैं, और ये भी आपको यूपीएससी पीडीएफ वेबसाइट से आसानी से मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको लगभग रोज 25 से 30 MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के होते हैं हमारे GS 1, वो भी सॉल्व करना है, तो आपको पता चलेगा कि हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है मॉक टेस्ट से, ठीक है, तो आपको ये इग्नोर बिल्कुल नहीं करने हैं, ऑलराइट। और उसके बाद फिर देखिए जो टाइम टेबल हम बनाते हैं, ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है कि 2 घंटा पॉलिटी पढ़ूंगा, ठीक है, फिर 4 से 6 तक मैं एनवायरनमेंट पढ़ूंगा, फिर 6 से 8 तक मैं इकोनॉमी पढ़ूंगा, ऐसा टाइम टेबल आप बनाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। आपको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है अच्छे से, पूरा दिन उसको ख़त्म करना है। हाँ, उसमें आप ये कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा करंट पढ़ लीजिए, फिर आप स्टेटिक पढ़ लीजिए, या स्टैटिक पढ़ के थोड़े से MCQ सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़े, और ये सी सेट के क्वेश्चंस आपको रोज लगाना है, ठीक है। ये आपका हो गया नेक्स्ट 45 डेज का प्लान, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपके जो लास्ट 10 डेज है, जो 26 में से 4 जून के बीच में बच रहा है, तो लास्ट वाले में आपको क्या करना है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ठीक है, रिवाइज करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ENV हो गया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया हो गया, तो ये सारे जो है साइंस एंड टेक हो गया, सबसे ज़्यादा सवाल इसमें से ही आते हैं, ऑलमोस्ट 80% सवाल यहीं से आते हैं,
तो आपको ये पांच सब्जेक्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें आप थोड़े से वीक है या आपको लग रहा है यहाँ से इस साल सवाल आ सकते हैं, तो वो सारे आपको फिर से पढ़ना है, और जिसमें आप स्ट्रांग हैं उसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है इसलिए, ठीक है। फिर देखिए लास्ट 10 दिन में आपको मोर फोकस ऑन स्टेटिक। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो ये यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की सीरीज चालू हो जाती है, वो पढ़ पढ़ के अपने आप को सेटिस्फाई फील कर लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का जो रोल है वो दिन पर दिन अभी घटता जा रहा है, और बढ़ भी जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, 30%, लेकिन फिर भी 60-70% तो स्टेटिक ही है, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। और जो PT 365 में ओनली टॉपिक्स जिसमें आप वीक हैं उनको एक बार देख लेना है करंट अफेयर्स में, ठीक है। उसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं देखना है। फिर ये लास्ट 10 दिन जो है उसमें मॉक टेस्ट नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट जो होते हैं बहुत ही, मतलब उनकी इतना माइंडसेट अलग होता है, उस मॉक टेस्ट के हिसाब से आप अगर अपना माइंडसेट कर देंगे तो लगभग आपको एग्जाम में नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट जो 10 दिन है उसमें प्रीवियस ईयर UPSC क्वेश्चन बनाना है। तो क्या आप UPSC के क्वेश्चन की पैटर्न को समझेंगे और उस तरीके से आपका दिमाग पूरा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है डोंट फॉरगेट CSAT, ठीक है, मस्ट रिवाइज ऑल रिपीटेड टॉपिक। तो जो भी रिपीटेड टॉपिक है जैसे कि ट्रेन हो गया, ठीक है, क्लॉक हो गया, तो ये सब जो चीजें है, HCF हो गया, LCM हो गया, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया। तो इन टॉपिक्स को आप इतना अच्छे से करिए कि इसमें आपका एक भी सवाल गलत ना हो। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की भी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और वेरी शॉर्ट नोट, खूब छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको लास्ट एग्जाम दिन जब हो तो, और बीच में जो आपको टाइम मिलता है 11 से 2 के बीच में 3 घंटे का, तो उसमें भी आप तैयारी कर सके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, फील कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसा टाइम आ जाता है जब लास्ट के 2-1.5 महीना रह जाता है, तो हमको ऐसा लगता है प्रिपरेशन नहीं हुई है, मेरा होगा कि नहीं होगा। इन सब चीजों में, नेगेटिव चीजों में मत पड़िए, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है, अपनी तैयारी पे भरोसा कीजिए, गिव योर 100%, तो आपका इस साल प्रीलिम्स होने का पूरा पूरा चांस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से तैयारी करिए लास्ट में, तो आपका प्रीलिम्स निकलने का पूरा पूरा चांस बन सकता है, ठीक है। तो हमारी 5 जून को एग्जाम है, और उसके हिसाब से हमने नेक्स्ट ईयर जितने भी हमारे पास दिन है, 53-54 डेज, उसके लिए ये टाइम टेबल हमने बनाया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड योर प्रिपरेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।